दिस इज मी निखिल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अंडर 50 रुपीज़ में वाटर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग स्पंज प्रूफ आई लाइनर की रिव्यू सर करने वाला हूँ एंड डेमो। तो चलिए विदाउट एनी वीडियो करते स्टार्ट। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो गाइज, तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने फोर आई लाइनर रखे जो कि अंडर 50 रुपीज़ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये फोर आई लाइनर है मेरे पास। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास 36 हावर्स का ये वाटर प्रूफ स्मज प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये पेन आई लाइनर की तरह है, कुछ इसकी पैकेजिंग इस तरीके की है। नॉर्मल इसी तरीके की पैकेजिंग आपको मिलती भी है, तो ये अंडर 50 रुपीज़ तक मिल जाता है लोकल मार्केट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से ओपन होता है, देन मैं इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो इसे अप्लाई करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये देखिए वन स्ट्रोक में इसका कलर उतना अच्छा नहीं आया है, तब भी अच्छा गाइज है। तो मैं ये रखता हूँ फर्स्ट नंबर पे। एंड सेकंड नंबर पे आता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ब्लू हेवन का आईलाइनर। ये भी क्लेम करता है कि वाटर प्रूफ है, इसकी नेट वेट क्वान्टिटी 7 ml है। तो मैं इसे भी यूज करके देखता हूँ कि ये कितना हद तक वाटर प्रूफ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके की इसका भी पैकेजिंग, मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करता हूँ। गाइज, आप लोग देख सकते हो, ये थोड़ा सा वाटर की तरह है, अच्छे से ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसे सेक कर लेता हूँ, अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग इधर देख सकते हो, ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। ये सेकेंड नंबर पे ब्लू हेवन का है, फर्स्ट नंबर पे ये 36 आवर्स वाला है। देन हमारा थर्ड नंबर पे आता है परसोनी का आईलाइनर। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो, ये 35 या 30 रुपीज़ में मिल जाता है लोकल मार्केट में। ये भी क्लेम कर रहा है कि वाटर प्रूफ आईलाइनर है। तो चलिए इसका भी रिजल्ट देखते हैं। इसकी नेट वेट क्वान्टिटी 6 ml है, तो इसका भी देखते हैं। इसकी भी नॉर्मल पैकेजिंग इसी तरीके से आती है, कार्डबोर्ड थोड़ा सा ऊपर कार्डबोर्ड की पैकेजिंग रहती है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर इसे अप्लाई कर रहा हूँ। गाइज, ये वन स्ट्रोक में काफ़ी अच्छा कलर दे रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। देखिए कितना डीप कलर दिया है, मैं आपको एकदम पास दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला था हमारा, ये वाला आईलाइनर 36 हावर्स वाला। एंड ये जो सेकेंड वाला है, ये है ब्लू हेवन का, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। एंड जो ये थर्ड वाला है, ये है परसोनी का, आप लोग देख सकते हो। ये परसोनी का आईलाइनर, तो इसका कलर आप लोग देख सकते हो कितना जेट ब्लैक है। तो देखते हैं लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा कलर आर्ट का आईलाइनर, ग्लैम गर्ल का आईलाइनर बाय टोनी। हाई डिफिनेशन वाटरप्रूफ आईलाइनर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इसे यूज करके देखते हैं। इसकी नेट वेट क्वांटिटी 5 ml है, इसका भी प्राइस 50 rupees है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। ग्लैम गर्ल का कलर आर्ट आईलाइनर है, हाई डिफिनेशन वाटरप्रूफ स्मज प्रूफ। तो इसे देखते हैं कि ये कितना अच्छा है, कितने हद तक सही बोल रहा है। तो मैं इसे फर्स्ट अप्लाई करता हूँ। आप लोग ये देख सकते हो गाइस, इसका कलर आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा है, मतलब एकदम लॉन्ग लास्टिंग की तरह लग रहा है। जेट ब्लैक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वाटर प्रूफ है। अब इसे हम होने देते हैं ड्राई, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कितना हद तक वाटर प्रूफ। तो ये जो मैंने आईलाइनर के स्ट्रोक्स अप्लाई किए थे, वो अच्छी तरीके से वेल ड्राई हो चुके हैं। तो हम इन्हें करते हैं स्प्रे बॉटल से वेट, उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर स्प्रे बॉटल लिया है एंड इसे हम स्प्रे करते कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये देखिए गाइस, मैंने कितनी बार स्प्रे किया है। एंड ये आप लोग पानी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। तो अब मैं एक एक कर को रफ़ करूँगा, देखता हूँ कौन निकल जाता है, कौन नहीं निकलता है। तो ये फर्स्ट वाला जो था हमारा 36 हावर्स वाला, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो, ये था। तो इसे रफ़ करते हैं गाइज, आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल हल्का सा रफ़ करने पे निकल गया। तो ये क्लेम करता है कि वाटर प्रूफ है, बट ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। तो देख सकते हो, बिल्कुल ये निकल चुका है। एंड जो ये हमारा सेकेंड वाला था, ये था ब्लू हेवन का, तो इसे भी हम रफ़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आप ये देखो, ये भी निकल जा रहा है, तो ये भी वाटर प्रूफ नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये भी निकल गया। एंड जो थर्ड वाला है, ये हमारा परसोनी का आईलाइनर था, इसका कलर काफ़ी अच्छा है, बट देखते हैं ये कितना हद तक स्मज प्रूफ है। ये तो वन स्ट्रोक में ही ऐसे ही अब करते ही पूरा निकल जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं अब सेकेंड फिंगर अपना यूज करूँगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो थर्ड फोर्थ वाला है गाइज, ये है कलर आर्ट का ग्लैम गर्ल का आईलाइनर। तो हम इसे रफ करते हैं, देखते हैं ये निकलता है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, तब बहुत ज़्यादा रफ़ करने पर निकल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तब भी ये देखिए गाइज, इतना अभी लगा हुआ है। ये 50 rupees का है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी वर्थ इट है। अगर आप लोग वाटर प्रूफ आईलाइनर ढूंढ रहे हो, तो इसे ज़रूर बाई करिएगा, काफ़ी सस्ते मतलब सस्ते दामों में आपको मिल जाएगा। तो 50 rupees के अंदर काफ़ी अच्छा वाटर प्रूफ आईलाइनर आप लोगों को मिल रहा है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो लिंक के थ्रू बाई कर सकते हो। अगर हाँ आप लोग विगनर्स हो, तो आप लोग सस्ते वाले ही आईलाइनर यूज़ किया करो, क्योंकि आपको सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आपके महंगे महंगे आईलाइनर थोड़े से बर्बाद हो जाएंगे पैसे। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।